अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, वेरी गुड। जनाब ये बताइए कि कल हमने लाइफ स्किल डिस्कस की थी और उम्मीद है कि आपने उसे बहुत अच्छे से सीखा होगा। जो मैंने आपको बातें बताई हैं आप उन्हें अडॉप्ट करने की पूरी तरह से कोशिश भी करेंगे और आपने यकीनन टीचर के साथ भी डिस्कस किया होगा, इज़न्ट इट? येस, वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। यू ऑल्सो ओबे माई ऑर्डर्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिविक स्किल। ठीक है, आज हम सिविक स्किल्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, कौन से सिविक स्किल आज हमारे चैप्टर में मौजूद है? लेट्स ओपन पेज नंबर 37 एंड डेट इज मेकिंग स्केजुअल। यानी कि आपने अपना शेड्यूल बनाना है। अच्छा, सिविक स्किल्स क्या होती हैं भाई? हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारा जो एक माशरा है उसमें रहने के भी कुछ उसूल जवाबित होते हैं। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर फॉलो करते हुए हम अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न शो करते हैं। ठीक है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम माशरे के तमाम हुकूक व फ़राइज़ को बखूबी सर अंजाम दें। ठीक है, तो आज हमारे पास सिविक स्किल मौजूद है मेकिंग स्केजुअल, यानी कि आपने अपना स्केजुअल किस तरीके से डिज़ाइन किया है, आपकी डेली रूटीन क्या है, क्या आप अपनी डेली रूटीन में किस तरीके से कौन कौन से कामों का अहमियत दे रही हैं। ऑफ कोर्स आप सुबह उठते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं, इज़न्ट इट? यस, यू ऑल आर नाउ ग्रोन अप चाइल्ड एंड यू शुड हैव टू स्टार्ट योर डे विद द प्रेयर्स। आपको फजर की नमाज अदा करनी है। ओके, यस, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने नाश्ता करना है, यानी कि ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है आपका। ब्रेकफास्ट टाइम करने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आप स्कूल जाते हैं। इट्स स्कूल टाइम, इज़न्ट इट? यस, फिर स्कूल में आपके डिफरेंट स्टडी टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका ब्रेक टाइम होता है जिसमें आप लंच करते हैं। देन होम टाइम स्टार्ट हो जाता है जब आप घर आ जाते हैं। तो ये एक स्केजुअल होता है जो हम अपनी लाइफ में गुजार रहे होते हैं। स्कूल तक तो हम बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। क्या घर में भी आप अपने स्केजुअल आपने बनाया हुआ है? क्या घर में भी आप अपने स्केजुअल के हिसाब से चल रहे होते हैं, एक शेड्यूल के हिसाब से? यानी कि घर में आने के बाद आपने पहला काम क्या करना है? कपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद आपने खाना खाना है। और फिर आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आपने थोड़ी देर रेस्ट करना है, क्योंकि स्कूल में हम थक जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दोपहर में हम रेस्ट जो करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? कैलूला कहते हैं, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है? डेली हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के लिए आपने रेस्ट करना है। उसके बाद हो जाएगा आपका खेलने का टाइम, इज़न्ट इट? प्लेइंग टाइम। आप जा सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। उसके बाद आपका स्टडी टाइम स्टार्ट होगा जिसमें आपने होमवर्क करना है। फिर आपका टीवी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आप चाहें तो कार्टून्स वगैरह देख सकते हैं, इज़न्ट इट? फिर आपका डिनर टाइम हो जाएगा, उसके बाद आपका बेड टाइम। ये डेली रूटीन होती है आपकी जो आप नॉर्मल वे में आप अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, इज़न्ट इट? मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आपके बाबा हैं, उनकी डेली रूटीन जो है वो आपसे काफ़ी मुख्तलिफ है। उन्हें अपनी डेली रूटीन खुद सेट करनी पड़ती है। ठीक है, मेकिंग स्केजुअल इज़ अ वेरी गुड हैबिट। जब हम बचपन से ही स्केजुअल के हिसाब से चलते हैं तो फिर क्या होता है कि बड़े होकर हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमारे अंदर टाइम पंक्चुअलिटी खुद ब खुद आ जाती है, यानी कि वक्त की पाबंदी करने की आदत हमें बचपन से ही हो जाती है, जो कि लाइफ टाइम के लिए होती है। हमें पता होता है कि हमें इस वक्त में क्या काम करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं बुक में हमें क्या बताया जा रहा है। कायद विश टू सी द यंग पाकिस्तानी सक्सीड इन लाइफ, यानी कि यंग पाकिस्तानीज को सक्सेसफुल होना चाहिए, कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है। यू नीड अ स्केजुअल टू सक्सीड। अब आपको सक्सेस हासिल करने के लिए एक स्केजुअल बनाना पड़ता है। स्केजुअल इज़ अ प्लान ऑफ व्हाट यू डू, यानी कि आप
क्या करने वाले हैं वो आपने पहले से सोचना होता है। स्केजुअल कैन बी प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर अ डे और अ वीक। अब स्केजुअल में आप प्लान करते हैं पूरी डेज की एक्टिविटी कर सकते हैं या फिर पूरे वीक की या फिर पूरे मंथ की आप एक एक्टिविटीज़ आप जो हैं वो प्लान कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर टाइम एंड फॉलो योर गोल्स। ये मैंने कहा ना आपको कि इससे क्या होता है कि आपको टाइम पंक्चुअलिटी की आदत पड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि आप अपने काम को वक्त पर कंप्लीट कर लेते हैं। जी एक्टिविटी, लेट्स क्रिएट अ डेली एंड वीकली स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़। मेक श्योर टू ऐड एक्टिविटीज़ इन योर स्केड्यूल दैट कैन हेल्प यू अचीव गाइड स्ट्रीम। अब आपने क्या करना है, एक डेली या वीकली आपने स्केड्यूल बनाना है और आपने उस स्केड्यूल में ऐसी एक्टिविटीज़ ऐड करनी है जो कायदे आज़म ने बताई हैं आप लोगों को। योर डेली स्केड्यूल शुड बी डिवाइडेड इंटू अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग, डे, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, बेड टाइम। उसी तरीके से आपने डेली स्केड्यूल बनाना है जिसमें आपने मॉर्निंग में भी को भी शामिल करना है, उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, आपका डे टाइम स्टार्ट हो जाता है, फिर नून हो जाता है, दोपहर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से सब तमाम टाइमिंग को कवर करते हुए आपने अपना स्केड्यूल बनाना है। रिमेंबर टू इंक्लूड इन योर स्केड्यूल प्रेयर नमाज, रिसाइटिंग कुरान, रीडिंग बिफोर गोइंग टू बेड। मे टिक द एक्टिविटीज़ यू हैव कम्प्लीटेड एंड क्रॉस द वंस यू कुड नॉट। फिर आपने क्या करना है, अपने स्केड्यूल में नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, इन दोनों एक्टिविटीज़ को भी आपने शामिल करना है, ठीक है। फॉर एवरी एक्टिविटी विद द क्रॉस थिंक वाई यू कुड नॉट डू। जब आप स्केड्यूल बना लेंगे तो फिर ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस दिन की पूरे 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी हैं, आप उसको टिक करते जाइएगा, ठीक है। और कुरान पढ़ेंगे तो आप उसको भी टिक करिएगा कि आज मैंने कुरान पढ़ा है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे देखिएगा कि आप अगर नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा बिजी हो गए, आपके पास टाइम नहीं है हुआ मिला, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, तो आप क्या करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने डे बिफोर मैंने कुरान पढ़ा था, उसके बाद से 2 डेज़ हो गए मैंने नहीं पढ़ा, अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये एहसास फिर आपके अंदर ख़ुद पैदा होगा कि मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, जब हम स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगे। तो आप स्केड्यूल बना लीजिए और स्केड्यूल में आपने डेली टिक करना है कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी आपने इस दिन परफॉर्म नहीं की थी। सिमिलरली यू कैन क्रिएट ए स्केड्यूल फॉर योर वीकली एक्टिविटीज़। फिर आपने पहले अपने डेली एक्टिविटीज़ का बनाया, अब आपने वीकली एक्टिविटीज़ का बनाना है। यू कैन सेलेक्ट वन इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और यूनिक एक्टिविटी फॉर ईच डे ऑफ द वीक एंड देन इन्जॉय डूइंग दैट एक्टिविटी एट अ प्रॉपर टाइम। अब आपने वीकली एक्टिविटी का क्या बनाना है कि कोई भी एक एक्टिविटी जो आप हफ्ते में एक दफ़ा करना चाहें आप उससे ऐड कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गार्डनिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे संडे आपकी आपका ऑफ होता है तो उस दिन आपने गार्डनिंग की एक्टिविटी कर ली, अब आप पूरे वीक आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब गार्डनिंग में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत आप प्लांट्स को खुशी खुशी आप पानी डाल सकते हैं क्योंकि पौधों को पानी देना भी एक सदका है। तो हमें इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों पर अमल करना है और अपनी ज़िंदगी हंसते खेलते खुशी से गुजारनी है। प्यारे बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।